एक अपील मैं जरूर करूंगा आपके माध्यम से कि बाढ़ जब आती है तो बाढ़ के साथ जो उसका हैंगओवर इफेक्ट है, मतलब जो स्टैग्नेंट वाटर है, पोखर वगैरह यहाँ में रहता है या स्थानीय गड्ढे में भी पानी चला जाता है, तो सारे पेरेंट्स जो है, अभिभावक है, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों जो है, बाहर जाने से पहले उनसे पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ हमेशा एक गार्डियन रहे। और इसके अलावा जो कुछ एडोलेसेंट बच्चे हैं वो ट्राई करते हैं कि कुछ डेयर डेविल एक्ट्स करें, जैसे अभी एक टिकटॉक का क्रेज आया है कि बहते हुए उफान वाली नदी में जंप करना है या पोखरा में ज्यादा देर तक गोता लगाना है, तो इसको कृपया अवॉइड किया जाए क्योंकि वाटर टर्बुलेंट रहता है, साथ ही जो है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी भी है बहुत तरीके से घट जाती है, तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है। जिला प्रशासन जो है आपके लिए सदैव तत्पर रहेगा। डिसेंट्रलाइज वे से हमने जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है, लेकिन प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो मैं मधुबनी की जनता को, उन पेरेंट्स को, बच्चों को अपील करूंगा कि किसी भी जलजमाव वाले क्षेत्र में जाने से पहले उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी ले, वयस्क व्यक्ति जरूर छोटे छोटे बच्चों के साथ जाए ताकि इस तरीके की दुर्घटनाएं जो है नहीं हो, और ये आपदा की घड़ी में हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।